हैंडसम अंकल है, यंग बॉय। हाय अंकल, किसको स्माइल कर रहे हो, उधर लाइन मार रहे हो उस साइड देख के हो। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हैं रेलवे के म्यूजियम में, तो गदग रोड में है। तो आज संडे भी था, फ्री भी था, तो हमारे साथ आज फयूम भाई बुला लेके आया मेरे को, फारूक भाई। तो यही देखा था, तो अंदर जाएंगे, अभी टिकट लिया है। टिकट कितना है? हाँ, 20 रुपये है टिकट। तो अंदर जाएंगे, ट्रेन का भी टिकट लिया है, ट्रेन में घुमाएंगे, तो आप सब लोगों को भी दिखाऊंगा। तो ये मेन गेट है, तो मेन रोड है, टिकट काउंटर। तो ये एंट्रेंस है, तो इधर से जाएंगे। पूरा इधर लिखा है, तो पढ़ सकते हो आप। तो इधर भी अंदर जाएंगे अभी। तो इस वाले ट्रेन में हम जाएंगे, तो इसका भी टिकट लिया है हम। इसका है 22 रुपीस एक बंदे का। देखो फोन में बात कर रहा है, उस जमाने का फोन है ये। के कपड़े, ड्रेसेस सभी, टोपी वगैरह भी है इधर, बेल्ट। Thank you.
सब कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना, तो बहुत बेस्ट है। सब रेलवे डिपार्टमेंट का है म्यूजियम, सब ओल्ड ओल्ड सामान है। तो अभी बाहर जाएंगे, उधर भी थोड़ा दिखाऊंगा आप लोगों को बाहर का भी। तो ट्रेन में जाएंगे अभी, ट्रेन का राइड करेंगे। काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आ रहा है। छोटा सा है, अच्छा है। हाँ चलो, बुला रहे हैं तो जाएंगे अभी ट्रेन में। दो ही लोग हैं। हाँ बोला है। ट्रेन जा रही है हमारी। तो इधर से फिर पीछे लेंगे, इतना है। उधर से इधर, इधर से उधर। राइड तो ख़त्म हो चुका है, तो दो ही राउंड। उधर हाथी के पास जाते हैं, फिर रिवर्स आते हैं। हाथी के पास जाते हैं, फिर रिवर्स आते हैं। तीन टर्म करते हैं तो कम हो गया, 20 रुपए चले गए, तो मज़ा आ गया। तो इधर डब्बे में पैसेंजर भी है, डुप्लीकेट है, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो ये म्यूज़ियम सुबह 12 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेगा, तो संडे सुबह 12 बजे से रात के 8 बजे तक चालू रहेगा। तो वो बड़ा सा हाथी। तो इधर भी अंदर जाएंगे, देखेंगे इधर क्या है। तो चलो चलते हैं। मेरे को भी पता नहीं था ये फारूक बुला लेके आया मेरे को, तो इधर ही रोके पता नहीं हमको। तो ऐसे बहुत प्लेस है हुगली में, तो उधर सब तरफ जाएंगे। तो आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये है लॉकर, तुम हिल रहा भी नहीं है, थोड़ा भी हिल रहा नहीं, उतना वेट है। अंदर चलेंगे, ये वाला क्या है। Like
हमारे रुके हैं तो उनसे भी बात करेंगे थोड़ा। देखो ये फिर इधर बात कर रहा है फ़ोन में कितने टेलीफोन है इधर। ये सर है, सर हमको एक बम्बई का टिकट मिलेगा सर बात ही नहीं कर रहे हैं हमारे साथ में, शायद गुस्सा हो गए हो, वो उनको सता रहा है ना तो इसीलिए। वो इधर टेलीफोन से, तो इधर भी है सर, शायद ये वर्कशॉप में काम करते हैं। तो ये क्या है पता नहीं है, तो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कमेंट करके। तो पूरा मैनेजमेंट है ट्रेन का, तो इधर से ही मैनेज करते हैं। इधर से हम बाहर जाएंगे तो चाचा को बाय बाय बोलेंगे, सर को बाय बाय, जाके फिर आएंगे दोबारा जल्दी। चलो बाहर चलते हैं। ट्रेन के टायर, तो आप आएंगे तो फोटोशूट के लिए ज़रूर आना, तो फोटोशूट इतना ज़बरदस्त होगा ना इधर, मस्त मस्त फ़ोटो आएंगे इधर। देखो तो इधर पीछे कॉफ़ी शॉप भी है, टेबल वगैरह भी है, चेयर भी है, तो गार्डन भी है, तो आराम से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं आप। तो उस साइड जाएंगे, ट्रेन में भी पैसेंजर बैठे हैं तो उनसे भी बात करेंगे, वो किधर जा रहे पूछेंगे, तो उनके साथ थोड़ा टाइम पास करेंगे। तो हम भी मुंबई जाएंगे इनके साथ में अभी। देखो इतना ही घुमा था उधर से इधर तक आएगा अभी। लास्ट स्टॉप तो फिर रिवर्स। ऐसे घूमता है। तो इस वाले ट्रेन में जाने के लिए मेन गेट इधर है, तो इधर से जाना पड़ेगा। तो अंदर जाएंगे, तो पहली बार आया हूँ मैं अंदर, तो ट्रेन चलाएंगे। भाई बनाओ भाई, तो पहली बार ट्रेन चलाया मैंने। चलो इस वाले ट्रेन, तो चलो आ जाओ। वाले डब्बे में जाएंगे, इधर बात करेंगे हमारे ये है अंकल और अंकल, शायद मुंबई जा रहे हैं ये लोग भी, तो हमारी दीदी भी है इधर, बहन छोटी बहन दिखाओ, छोटा भाई कुछ खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, कैंडी खा रहा है शायद। तो चलो आगे भी है हमारे लोग हैं, तो उनसे भी मिलाता हूँ। ये तो भैया के चाचा है, सरदार जी है, तो कुछ मत बोलो उनको। तो उनके बैग वगैरह भी है इधर ऊपर, देखो इधर भी है, उस साइड भी है, देखो इधर हमारे लमानी आंटी है, लमानी लोग है, तो इधर भी है बैग, देखो इधर भी है, इधर भी है, तो इस सर भी है, तो कुछ सोच रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, पता नहीं है, सोच रहे हैं, तो कॉलेज जा रहे हैं, दीदी हमारे कॉलेज जा रहे हैं। कौन से कॉलेज में पढ़ते हो दीदी? हेलो दीदी, को गुस्सा आ गया लगता है, चुप बैठे हो, बात नहीं कर रहे। देखो येलो बैग,
तो इधर हमारे हैंडसम अंकल है, यंग बॉय। हाय अंकल, किसको स्माइल कर रहे हो, उधर लाइन मार रहे हो उस साइड देख के, हो इसीलिए बात नहीं कर रहे। अंकल का बैग देखो इधर, ऐसे तो बोरिया बिस्तर भी ले गए, इधर बोरिया बिस्तर भी ले गए देखो। तो हो गया इतना, तो दूसरे डिब्बे में जाएंगे हम लोग। भाई दिखना भी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो सिग्नल दे रहे हैं, कोई आड़ा आया इधर तो हम भी थोड़ा चलाएंगे। अंकल हमारे स्टॉप आया है, रुकाओ हमको उतरना है। स्टीयरिंग जाम हो गया है, काम नहीं कर रहा है। चलो बाहर चलते हैं। तो आपको ये सब कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सब घूम के आ गए हम लोग, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो रेस्ट करने के लिए भी इधर घास वगैरह है बैठने के लिए। देखो गार्डन पूरा उधर तक है गार्डन, तो ये भी रेस्ट कर रहा है, तो हम भी रेस्ट करेंगे। तो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कमेंट करके बताना। तो आपको ये सब कैसा लगा, तो बहुत बेस्ट है, छोटा सा है मगर बेस्ट है। तो उधर थोड़ा कॉफ़ी शॉप में भी जाएंगे अभी, थोड़ा बैठ के रेस्ट करके। तो अब हम जा रहे हैं कैंटीन में। तो इधर देखो रोड भी दिख रहा है, मेन रोड के पास ही में राइट साइड में मिलेगा आपको, तो गदग रोड बोलते, तो एनी टाइम आ सकते हो। तो अभी इधर कैंटीन भी है, तो उधर भी जाएंगे। लोगों को फ़ोटोशूट के लिए बेस्ट प्लेस है ये, तो नज़दीक भी पड़ेगा आपको, दूर भी नहीं है, तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है उतना ही है, तो बेस्ट प्लेस है फ़ोटोशूट के लिए। देखो इधर भी फ़ोटोशूट कर सकते हो आप, बेस्ट प्लेस है फ़ोटोशूट के लिए। देखो पुराने ज़माने का है ट्रेन शायद, बेस्ट फ़ोटो आएगा इधर। तो एक बार ये आके इधर क्लिक करके गए तो उनके फ़ोटोज़ देखा मैं, तो इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो इधर कैंटीन भी है, तो कैंटीन भी है इधर, कुछ भी खा सकते हो, चेयर्स वगैरह भी है बैठने के लिए। तो बाजू गार्डन भी है। तो पूरा घूम लिया हम लोगों ने, तो अब सीधा जाएंगे घर। तो 2 बज गए, 11-12 बजे आ गए थे। तो आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करके ज़रूर बताना।